तो शो क्यों नहीं हो रहा मुझे, मैं फिर से देखता हूँ। तो लेट मी चेक आउट माई ऑडिबिलिटी, आई थिंक ऑल इज वेल। इट्स नॉट वेल, व्हाई दिस? ये okay, all is well now. Oh, a little bit I was not getting. ठीक है, write down in the comment box if I'm audible. Okay, all is well now. Thank you. Oh, I got it. All is well. So a little bit confusion about audibility, but now all is well. Thank you. Let's begin the first question of the day. I'll not keep you long as technical glitch also did its job pretty well. What does the term curtain ratio indicate? ये indicates नहीं हो सकता, तो पहले ये गलती है। Indicate इन ड्रामा, ड्रामा में कर्टेन रेजर का क्या मतलब होता है? वन हु रेजेस कर्टेन्स, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सुपरनैचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रूथ, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। नाउ यू हैव टू टेल। और ये सवाल आपकी सीरीज 10 बजे ही चलेगी, उसमें थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था 9, 10, साढ़े 9, 10 में। तो अल्टीमेटली किसी दिन अगर बदलेगा तो वो थोड़ा सा मैं उसको रिवर्ट कर रहा हूँ, वो 10 बजे ही रहेगा, बदलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए कई आंसर मिल गए, मुझे अच्छे आंसर मिल गए हैं सबके, और सबने आंसर बताया है कि ये शॉर्ट प्ले होता है बिफोर द मेन प्ले, इज कॉल्ड कर्टेन रेजर, इंटरल्यूड टाइप का। तो आप ये कह सकते हैं। और इनफैक्ट देखो सुबोध, मानसिंह एंड राघव, मनोज, रामनाथ, मिथिलेश, विकास, अभिषेक, प्रवीण, शिबू, रविकांत, दे आल हैव गिवन करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग करेक्टली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी बिगिन द सीरीज नोन एज द फॉरसाइट सैगा? इट्स अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। The Foresight of an Indian Summer, Indian Summer of a Foresight, और Awakening। तो उसमें 3 नॉवेल थे। Awakening तो इंटरल्यूड हो गया, तो वो शुरू कौन का? द फ्रीलांस, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द कंट्री हाउस, या कौन सा सीरीज को शुरू करता है आपको बताना है। लास्ट में टू लेट नॉवेल आता है, और उसके पहले और एक 1906 में आता है, फिर 1920 में भी आता है। तो आपने पता होगा कि कौन कौन सा है। 5 है वो आप जानते हैं बेहतर। तो इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट और अवेकनिंग जो है वो इंटरल्यूड है। 3 नॉवेल्स हैं, तीनों नॉवेल्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, और टू लेट लास्ट में आता है, और इन चांसरी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सीरीज को शुरू करता है। और जिन लोगों ने मैन ऑफ प्रॉपर्टी दिया है वो तो सही है। नमो कह रही है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, येस नमो, सरस्वती एज वेल, शेल्पी एज वेल, सो इज राजीव एंड सो इज गौरव, सो इज विकास। थैंक यू। ये एक 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड का एक सीरीज है, जिसमें मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें सोम जो रहता है, सोम्स जो रहता है वो उसका मैन ऑफ प्रॉपर्टी वही रहता है, और रेस्ट इज ओके। व्हाट स्यूडोनिम डिड जॉन जॉन गाल्सवर्दी यूज टू पब्लिश नॉवेल्स? किस स्यूडोनिम से करते थे? ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जॉन सन ऑफ जॉन करके था, जॉन सिन जॉन। इस पे रुकना नहीं है, लेकिन ये सवाल क्योंकि आना तय रहता है, तो छोटे सवाल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जॉन सिन जॉन उनका पेन नेम था। ऐसा पहला कौन सी रचना थी जो उन्होंने अपने नाम से पब्लिश करी थी? ये लिख के बताइए। मैंने बताया था विच वर्क वॉज पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सी रचना अपने नाम से पब्लिश करी थी? ये आपका सवाल है, एक एनहांसिंग, मतलब एक प्रकार का बूस्टर सवाल है, आप जो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। और आप मुझे लिख के बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट कि गालजवर्दी ने पहली बार अपना नाम गालजवर्दी के नाम से किस किताब को पब्लिश किया, ये आपको बताना है। ठीक है, The Island Pharisee is very good। और मूविंग टू द नेक्स्ट, अ ट्रेजेडी इन विच सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और ये इस पर मैं वेट करूंगा किसका आंसर क्या आता है। और यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ जो आपको समझना है, वो आप जान रहे हैं। अ ट्रेजेडी इन विच सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक फेट और गॉड्स brings about the doom of the hero or heroine is called, उसे क्या कहते हैं? Tragedy of leisure, tragedy of circumstance, tragedy of situation, deus ex machina। इसका प्रोनाउंसिएशन मैकिना है, मसीना मत करना। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। I'll see who answers first, देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर करता है इसको। और देखो ज़्यादातर आंसर डी दे रहे हैं, ये जो लोग डी दे रहे हैं ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग होने में और सही आंसर देने में अंतर होता है। क्या बात है। जैसे ड्यूस एक्स मैसिना होता है, गॉड फ्रॉम द मशीन होता है, एक प्लॉट डिवाइस होता है जिसको बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने क्रिटिसाइज किया था, थ्री पेनी ओपेरा में उसको पैराडाइज किया था या उसको डिग्रेड किया था। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो है ड्यूस एक्स मैकिना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो तो प्लॉट रेवलेशन के लिए, फाइनल रेजोल्यूशन के लिए जब राइटर नहीं कर पाता तो वे गॉड फ्रॉम द मशीन, वो ग्रीक परंपरा के अनुसार लाया जाता है रिजॉल्व करने के लिए, तो अ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट। लेकिन ये उसके लिए नहीं है। ट्रेजेडी यहाँ पर स्पेशल है, ट्रेजेडी के लिए बात हो रहा है। तो वो किसी में ड्यूस एक्स मैकिना तो गॉड फ्रॉम द मशीन किसी भी पर्टिकुलर जार के लिए है। अ ट्रेजेडी इन विच सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक फेट आर गॉड, जिसमें तकदीर या गॉड जो होते हैं वो हीरो या हीरोइन के पतन का कारण बनते हैं। ये ड्यूस एक्स मैकिना में नहीं होता, ये कहाँ पर होता है? ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टेंस का उदाहरण होता है, ध्यान रख लेना। और शेक्सपियर की कौन से प्ले को ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टेंस कहा जाता है? लिख के बताइए कॉमेंट बॉक्स में, ये सवाल भी मैंने पढ़ाया है। तो आपका आंसर क्या है? इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टेंस, राइट। तो सब लोग हो गए गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लो अब। तो ये ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टेंस कहेंगे इसको। शेक्सपियर की कोई ऐसी प्ले बताइए जिसको आप ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टेंस कह सकते हैं। अगर आप बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा आज। अगर लिख दोगे सही तो बता दूंगा सही है, गलत लिखोगे तो नहीं बताऊंगा। फिर कल या परसों जब मैं आऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन डाल दूंगा ना, दैट विल एनहांस। तो ये जो है। और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मिल्टन वाज बीइंग पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसा स्पिरिट एंड पोइट्री ऑफ द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहते हैं? ही वाज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा, तो एंड रिफॉर्मेशन एज वेल, तो वो आप जानते हैं जी। नहीं, ये मैकबेथ और ओथेलो और किंग लियर और हैमलेट नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया एडमंड स्पेंसर आंसर दे रहे हैं लोग, और मुझे लग रहा है कि ये सही लोग हैं जो लोग एडमंड स्पेंसर दे रहे हैं। रिपीटिशन ये एक रिवीजन का एक अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को बेहतर जानते रहिए। ठीक है, और आप अच्छे लोग हैं, मैं भी बुरा नहीं हूं। Whose views is this about Milton? Such is the power of his poetry that his call is obeyed without resistance। का मतलब उनकी पोइट्री में इस तरीके की शक्ति है कि उनके कॉल को कोई डिसोबे कर ही नहीं सकता। सैमुअल जॉनसन, टीएस एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टॉमस हार्डी, हालांकि ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, बंसलोचन कह रहा है सैमुअल जॉनसन है, शरिता कह रही है सैमुअल जॉनसन है। हाँ, लगाना है तो तुक्के लगाते रहो। हाँ, सब लोग ये बता रहे हैं। और नहीं भाई बीरेंद्र, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जान क्यों लूंगा यार, यू ऑल आर माई जान। समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग मेरी जान हो यार, अपनी जान की जान कोई थोड़ी ना लेगा, अपनी जान की जान जानबूझकर कोई थोड़ी ना लेगा। तो आप लोगों की जान नहीं लूँगा, परेशान मत होइए। यू ऑल आर वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट ना, सो आई कैन नॉट लेट इट हैपन, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है, सैमुअल जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। और ये लाइव्स में ही कहा है, 52 पोइट्स का उन्होंने लाइव्स लिखा, उसी में ये बात जिक्र किया है जब वो मिल्टन की लाइफ को डील करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, देख लिया आपने। आगे देखते हैं क्या है। आई डो नॉट थिंक दैट ओनली मॉडर्न पोएट अनलेस इन अ फिट ऑफ इररेस्पॉन्सिबल पीवीसनेस हैज एवर डिनाइड मिल्टन्स कंसुमेट पावर्स। कंसुमेट का मतलब परफेक्ट, एकदम, जिसका जिससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता। Whose views is this about Milton's poetry? Wow, great! Thomas Hardy, Alfred Lord Tennyson, T.S. Eliot, Samuel Johnson. Please, आप लोग आंसर बताएं। और यहाँ पर देखो आंसर शालिनी बता रही है टेनिशन है, और कई लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। टेनिशन पे ज़्यादा आया है, बता रही कि इलियट है, शेष बता रहे इलियट है। ये जो लोग इलियट वाले हैं, ये इलियट कहाँ से पढ़ रही है ना, इलियट वालों को तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इलियट ही सही है। ठीक है, इलियट इज द करेक्ट आंसर। टीएस इलियट ने ये बात कही है और ये बिल्कुल सही है। दोज हु हैव आंसर टीएस इलियट, दे आर वेरी करेक्ट। दोज हु हैव आंसर टेनिशन, दे मस्ट थिंक ओवर डीपली, राइट। सो तो अब तक के 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं जो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। वो ना आए आपकी बुरी किस्मत। देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे नेट का जब आप पेपर दे रहे होंगे, ये नेट के लिए नहीं है फिलहाल, आ सकता है ऐसा कुछ है नहीं। नेट में ऐसा थोड़ी है कि 100 क्वेश्चन ही बाउंसिंग आते हैं। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ही बाउंसिंग रहते हैं, या आप 60 क्वेश्चन बाउंसिंग कर दो, 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप कर लेंगे, और 40 क्वेश्चन पे होगा नहीं, होगा होना है 60 क्वेश्चन पे। मिनिमम 60 का क्राइटेरिया मान के चलिए, नेट का कितना भी टफ पेपर रहेगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दरअसल उसमें क्या होता है, आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता रहते हैं। जब ज़्यादा पढ़े रहते तो आपको ये पता चल जाता है कि ये नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं, ये पता चले ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, तो उस आधार कन्फर्म आप किसी में नहीं रहते। उस आधार पर 60, 62, 65, 70, 75 तक किया जा सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब 75 के ऊपर कर रहे हैं ना, तो समझ लो आप बहुत विद्वान आदमी हो। 100 में, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बाकी तो करने की अलग अलग बात है। तो यहाँ पर क्या है, आपने टीएस इलियट कर दिया। व्हाट इज ऑनर अवार्ड, व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर, व्हाट इज दैट ऑनर एयर। These lines are example of which figure of speech? ये लाइनें बोली गई हैं फालस्टाफ के द्वारा। फालस्टाफ कहां पर है आपको पता है, सर जॉन फालस्टाफ इन हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 1। ठीक है, एक्ट 5 सीन 1 में ये लाइन एक सली लकी टाइप का बोलता है। कौन बोलता है? सर जॉन फालस्टाफ बोलता है। वो कहता है व्हाट इज ऑनर। अगर सवाल ये बने कि उसका डिस्क्विजिशन है, एक डिस्क्विजिशन है, अब डिस्क्विजिशन की इंग्लिश डिक्शनरी में देख लेना, मतलब एक पूरा डिस्कशन है, वो डिस्कस करता है, किसी चर्चा करता है, एक डिस्क्विजिशन ऑन ऑनर। जैसे ये सवाल बने ऑनर पे किसने बहुत बढ़िया स्पीच दिया है और ऑनर जैसी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है, तो वो सर जॉन फालस्टाफ है। कहाँ पर करता है? हेनरी 4 पार्ट 1 एक्ट 5 में बात आती। लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच है, किसका है? एंटीस्टोफी, एंटीसगोगी, एंटीसगोग या सगोगी, और एंटीपोफोरा और एंटोनोमेसिया। तो ये जो है इसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? उसमें से मुझे पता है कि आप में को कई फिगर ऑफ स्पीच नए लगे होंगे। एंटीस्ट्रॉफी तो आप जानते हैं ओड का हिस्सा होता है, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी यानी पोड, वो आप जानते हैं। और मानते भी होंगे। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर। तो आगे की बात करें हम, क्या है हमारे पास, कोई बात नहीं वीरेंद्र, अभी तुम जानते कहाँ होगे कि इतने नए क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें स्पेशली स्मार्टीज के लिए रिजर्व रहती हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएं तो आप 20,000 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो आप ठीक है, जो दे रहे हैं वही काफ़ी है। हाँ, जो भटक रहे हैं उनको भटकने दीजिए, जो पा रहे हैं वो पाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बात करेंगे एंटीपोफोरा, एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये मैंने लिखाया जरूर होगा, और नहीं तो इसी जब टीजीटी की जो प्रैक्टिस सेट है, जो सीरीज है ऐप पे अवेलेबल है, जो उसमें ये बात डिटेल में बताई गई होगी या कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल भी दिया गया होगा। वैसे मैं लग रहा है कि पब्लिक क्लास में भी एक बार बताया था। एंटीपोफोरा का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी क्वेश्चन पूछता है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही दे देता है। व्हाट इज ऑनर, उसने कहा ऑनर क्या है, कुछ नहीं है, ऑनर एक शब्द ही है बस। व्हाट इज दैट वर्ड, ऑनर, ये ऑनर शब्द क्या होता है, व्हाट इज दैट ऑनर, कुछ नहीं है, एयर। उसका प्रश्न पूछे और प्रश्न का आंसर खुद दे दे तो एंटीपोफोरा होता है। एंटीसगोगी का मतलब होता है एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच, जैसे लियोनेटीज कहता है, विंटर्स टेल में कहता है, कैमिलो से कहता है, अगर ये तुम ऐसा करते हो तो तुम, जैसे मैं कोई आदेश दूं आपको और आदेश को यदि आप पालन करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन उस पालन को, आदेश को आप पालन नहीं करेंगे तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी, तो उसी लहजे में उसको एंटीसगोगी कहते हैं। एंटोनोमेशिया एक प्रकार का पन होता है, जैसे प्रॉपर नाउन के लिए एक टाइटल इस्तेमाल, जैसे शेक्सपियर के लिए बार्ड इस्तेमाल कर देना, या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए गैलीलियो इस्तेमाल कर देना इस तरीके का, या सोलोमन इस्तेमाल कर देना इस तरीके का, या आप कह सकते हैं डिक्टेटर के लिए हिटलर इस्तेमाल कर देना, वो इसकी श्रेणी में आ जाता है। बाकी एंटीस्ट्रोफी, ओड, इपोड, ये सब आप जानते हैं और ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। कुछ ना पता हो तो आपको ये पता हो गया कि ऑनर पे जो स्पीच दिया है वो फॉलस्टॉफ ने दिया है, इतना एक एनहांसमेंट हुआ, तो आपको एनहांस मिलता रहेगा, आप करते रहिए। ठीक है, आगे पैलिम्सेस्ट क्या है, इज अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द मिडिल एज, और ये क्या है आपको बताना है पैलिम्सेस्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन अ सरफेस फ्रॉम विच एन अर्लियर टेक्स्ट हैज बीन पार्टली और होली इरेज्ड, अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑथर्ड बाय अ गोस्ट राइटर, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है, ये रिपीटेड सवाल है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, पैलिम्सेस्ट जो है एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आई रिपीट कि ये रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है प्लीज। बी आंसर मिल रहा है, अ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन अ सरफेस ऑफ फ्रॉम विच एन अर्लियर टेक्स्ट हैज बीन रिमूव्ड, तो आप ये कह सकते हैं जिसपे पहले से कुछ लिख के मिटाया जा चुका, उस तरीके की पांडुलिपि हो, तो ये पैलिम्सेस्ट एक प्रकार की पांडुलिपि होती है। ठीक है, आगे की बात करें, व्हाट इज कॉल्ड केल्टिक, केल्टिक रिवाइवल का नाम सुना होगा आपने, केल्टिक ट्वाइलाइट, दो शब्द सुना होगा, आज जाके आप लोग केल्टिक रिवाइवल और केल्टिक ट्वाइलाइट शब्द पढ़िएगा, इन दोनों के बारे में पढ़िएगा, तो यू विल गेट सम आइडिया। केल्टिक रेनेशा, आयरिश रेनेशा इज नोन एज केल्टिक रेनेशा, राइट। तो ये आयरलैंड कहीं दिख रहा होगा तो वही हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, ये हो नहीं सकता। अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्टिल प्रेजेंट इन आयरलैंड, जहां भी आयरलैंड आएगा, और कहीं आयरलैंड है नहीं है तो आपका आयरलैंड ही सही हो गया, आयरिश रेनेशा से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, वाई रिपीटेड, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन, सो जहां पर जो क्वेश्चन मुझे टफ लगता है मैं उसी को रिपीट करता हूं, और या तो जो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं ना, लोग गलती तो यहाँ भी कर सकते हैं ना, शेक्सपियर कहाँ पैदा हुआ था, लोग ये भी गलती कर सकते हैं शेक्सपियर क्यों पैदा हुआ था, ये तो आएगा नहीं ना। हाँ, तो हमारे ऊपर भी लागू हो जाएगा फिर। Moving to the next one, which Indian poet has penned these lines? I am Indian, very brown, born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. और पोएम भी, ये पोएम मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, कम से कम एलटी ग्रेड वालों को पढ़ाई है, ठीक से पढ़ाई है। निसीम इस्कल की दारूवाला, नाम भी क्या है, दारूवाला, गांजा, कुनाल गांजा वाला, भांग वाला, शराब वाला, ऐसे ऐसे नाम रखने का क्या मतलब है मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया। किसी का नाम दारू वाला है, किसी का नाम शराब वाला है, किसी का नाम कोकीन वाला हो जाएगा, किसी का नाम अफीम वाला हो जाएगा, किसी का नाम क्या क्या नाम रखते हैं ना, उनका सरनेम होगा कुछ, हो सकता है बिजनेस हो, कोई प्रोफेशनल या पैतृक बिजनेस होगा, मुझे आइडिया नहीं है। जो अपने यहाँ, हमारे यहाँ तो अवधी भाषा में दारू वाले का मतलब जो शराब बेचता है, खैर के दारू वाला, कमला दास और ममता कालिया, तो ममता कालिया हिंदी के राइटर हैं, आप जानते हैं बेहतर इनको। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन पोएम आपको पढ़े हैं कमला दास को, बड़ी मशहूर लाइन है, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन, हाँ, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यहाँ ध्यान करना, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना आंख मूंद के आप लगा दीजिएगा एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। कोई शक है यहां? नहीं होना चाहिए। Who among the following is associated with Imagist movement? अर्ली 19th सेंचुरी का मूवमेंट था, एजरा पाउंड, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आईए रिचर्ड्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन, ये तो न्यू क्रिटिक रहे हैं, रॉबर्ट पेन वॉरेन, आपको बताना है, राइट? हाँ, इंट्रोडक्शन का है, कमला दास का, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बता ही दिया हूं। तो यहां पर आप देखें, Ezra Pound is the correct answer, right? No doubt Ezra Pound is the correct answer, my dear. Very good. You all have done pretty good job. And here, who among the following is not associated with Imagist movement? इनमें से कौन सा Imagist movement से जुड़ा नहीं है? Hilda Doolittle, H.D. जिसको, Richard Aldington, Amy Lovell, Alan Tate. Good question. Easy but good question. चूंकि ये इजी है इसलिए अच्छा क्वेश्चन भी है। इमेजिज्म एक पैटर्न के रूप में, टी.ई. ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एलन टेट आपको दिख रहा है, ये एलन टेट का नाम, बाकी ये सब के सब इमेजिज्म से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द रिचेस्ट बुकर लिटरेरी प्राइज इज स्पॉन्सर्ड बाय बुकर मैकडोनाल्ड, बुकर मेयर, कॉरी बुकर, बुकर मैककॉनेल, राइट। दरअसल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई, बुकर प्राइज जिसको द मैन बुकर प्राइज आप कहते हैं, द बुकर प्राइज इन लिटरेचर स्पेशली गिवन फॉर फिक्शन, बुकर प्राइज की शुरुआत हुई 1969 में, अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है बेस्ट नॉवेल को लिए, उस साल के लिए, और पहला नॉवेल था समथिंग टू आंसर फॉर, समथिंग टू आंसर फॉर, राइट, जो पीएच न्यूबी का था, पीएच न्यूवी का ये नॉवेल था। इंडिया में अगर देखा जाए मूल रूप से तो इंडियन ओरिजिन में सबसे पहले वीएस नाइपाल को मिला है, अभी तक वीएस नाइपाल को मिला है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आता है बारी गोल्डिंग के बाद सलमान रुश्दी को मिलता है, हालांकि ये इंडिया के नहीं रहे, इंडियन ओरिजिन रहे, इंडिया मूल के ओरिजिन रहे। सलमान रुश्दी को मिल रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, रुश्दी को मिलता है। फिर इसके बाद मिलता है अरुंधति राय को मिलता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिलता है। उसके बाद मिलता है 2005 में के लिए मिलता है किरण देसाई को मिलता है, किरण देसाई को मिलता है। फिर मिलता है अरविंद अडीगा को मिलता है, वाइट टाइगर अरविंद अडीगा। इंडियन परिप्रेक्ष्य में इतना याद कर सकते हैं। नेट में अब की बार एक सवाल किरण देसाई से भी था, तो बुकर मैककॉनल प्राइस था, वो ओनर उसका स्पॉन्सर जो है बुकर मैककॉनल कहेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको जानना था बुकर के बारे में। इस बार एक श्रीलंकन राइटर को बुकर प्राइज मिला है, उसका नाम लिख के बताइए, क्योंकि अर्लियर वीडियोज में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। देखता हूँ कौन कौन उस व्यक्ति का नाम बता सकता है विद नोबेल, ये सारी चीज़ें, और मैंने किसी वीडियो में उसमें TGD के सीरीज में कराई भी है, ठीक है। तो कम से कम आई विल एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम स्मार्टीज, राइट। उसके बाद की बात करें हम, हु इज द ऑथर ऑफ कैन द सबाल्टर्न स्पीक। क्या बात है, एक एशे है टाइप का, क्या ये पोस्ट कॉलोनियल में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं। कैन द सबाल्टर्न स्पीक, सबाल्टर्न का मतलब जो दोज हु हैव बीन साइडलाइंड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, जिन्होंने मुख्य धारा से हटा दिया गया हो, जिसको मतलब जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो एक ऐसे माहौल में ये एक कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक दैट स्टिल इज अ स्टिग्मा टू आवर कंट्री एंड आवर नेशन इज वेल। तो स्टिल इट इज स्टिग्मा। रंजीत गुहा, इट इज नॉट रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी एंड इंडिया बिफोर गांधी, दीज आर टू बुक्स। वैसे कई बुक्स हैं, क्रिकेट में भी उनकी हैं। तो वो रामचंद्र गुहा हैं, उनकी किताब बड़ी अच्छी है। अगर आप गांधी जी के बारे में सही में कुछ जानना है तो रामचंद्र गुहा की किताब मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, इंडिया आफ्टर गांधी। इवन इंडिया बिफोर गांधी यू कैन गो थ्रू बोथ, आई मस्ट हैव वन इंडिया आफ्टर गांधी, राइट। और एंटोनियो ग्रामसी का नाम आपने सुना होगा, और जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है उस पर, या गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ये बड़ा नाम है। डेथ ऑफ डिसिप्लिन इनकी एक दूसरी किताब थी जो मैंने चर्चा किया था। तो ये हालांकि पॉइंट ऑफ व्यू नेट का भी सवाल बन सकता है। तो आपका आंसर क्या है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, और ये बहुत अच्छी, ठीक है, वेरी गुड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। Very good. Gayatri Chakravorty Spivak, you all have given correct answer. जी हाँ, शाहीन करुणा तिलक, वेरी गुड। Dryden's essay on dramatic poetry is क्या है ये? A long poetical work, a play in 5 acts, a critical treatise on dramatic art developed through dialogues, a long essay on the art and craft of English dramatist. तो which one is the correct? आप कहते हैं उसमें एक व्यक्ति निएंडर भी है, निएंडर represents a dialogue. I have given the clue and you must be knowing the answer by now. Please do let me know the correct answer. Be quick, right? अब तो बता भी दिया मैंने आंसर भी, तो अब आंसर भी बता दिया, तो अब तो आपको पता हो जाना चाहिए, राइट। प्लीज बी क्विक टू रेस्पॉन्ड। सी बता रहे हैं और दिस इज 4 कैरेक्टर हैं उसमें। निएंडर जो होता है वो ड्राइडेन को ही, निएंडर का मतलब होता है न्यू मैन ना, ये जो है ये सवाल कई बार आया, निएंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ड्राइडेन को करता है। चारों जो उसमें स्पोक्स पर्सन है चारों का नाम देखते हैं कौन बताता है, क्योंकि अर्लियर 2 और 3 वीडियोस में मैंने ये बात चर्चा करी है, उससे आप जब लिखते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। And moving to the next one, Shelley was expelled from the Oxford University for the publication of The Mask of Anarchy, The Revolt of Islam, and the necessity of atheism, Halash, right? ये PGD के लिए आंसर सही है और जो कल या 28 को जो NBS का देंगे उनके लिए भी ये आंसर सही है। ठीक है, प्लीज बी क्विक टू आंसर। और यहां पर आप देख पा रहे हैं देखो सरस्वती बता रही है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है और इनके साथ इनका एक दोस्त भी था, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफर्ड, राइट? तो ऑब्वियसली इट वॉज नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, वेरी गुड, गुड आंसर। And moving to the next one, my dear, Jane Austen's Pride and Prejudice, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रहेगा। Pride and Prejudice is a picaresque novel, gothic novel, domestic novel, historical novel। हालांकि उन्होंने gothic novel लिखा ही नहीं है जेन ऑस्टिन ने। नॉर्थैंगर एबी जो है एक स्पूफ है gothic novel का, तो नॉर्थैंगर एबी जो है वो एक स्पूफ है। नॉर्थैंगर एबी एवी एक स्पूफ है, स्पूफ ऑफ गॉथिक नॉवेल, राइट, जिसको आप कह सकते हैं गॉथिक नॉवेल को पैरोडी किया गया है। तो ये यहाँ पर ये डोमेस्टिक नॉवेल है जो जिसमें डार्सी एंड जो बेनेट फैमिली है उसकी कहानी है, वो आप जानते हैं, जिसमें आप लाइन पढ़ते हैं, पहली लाइन है इट्स अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife, right? तो आयरनी का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये माना जाता है, जब कभी आप इंटरव्यू वगैरह फेस करें तो कोई आयरनी का उदाहरण पूछे तो ये जरूर बता दीजिए। अगर वो लिटरेचर का है तो डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव साउंड नॉलेज ऑन द टॉपिक, राइट? तो ये ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। Moving to the next one, Sir John Falstaff is one of Shakespeare's famous। वो एक प्रकार का कैरिकेचर है, एक ब्रेगार्ट है और बाकी क्या है कैरिकेचर, या उसे आप ब्रेगार्ट की श्रेणी में ब्रेगाडोचियो कर सकते हैं, एक ब्रेगार्ट है, ठीक है, होस्टफुल पर्सन है, वो ड्रिंकर भी है अच्छा सा, और मिस्ट्रेस क्विकली के पास भी जाता है, आप जानते हैं किस लिए जाता है। और वो एक प्रकार का ओवरऑल देखें तो हिस्टोरिकल फिगर है नहीं, तो कॉमिक फिगर पे ही आप सही करिएगा क्योंकि कैरिकेचर है वो, ठीक है। तो कैरिकेचर तो ये आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट सवाल देखें, ब्रागार्ड का मतलब होता है पर्सन हु बोस्ट। ब्लैंक वर्ड्स वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश पोइट्री बाय, ब्लैंक वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले किसने यूज किया था? टॉमस वायट, विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ सरी, मिल्टन, right? They all have used to blank verse, no doubt. But who was the first one to use blank verse, right? Blank verse is also known as Marlowe's mighty line. बाद में Marlowe's mighty line भी इसको कहा गया, Marlowe's mighty line, right? Blank verse is also known as Marlowe's mighty line by बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन ने इसको कहा था, मार्लोज माइटी लाइन या माइटी लाइन ब्लैंक वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जब उन्होंने रिफाइन कर दिया। पहली ट्रेजेडी की बात करें गार्बोडक, दैट इज इन ब्लैंक वर्ड्स। पहली कॉमेडी की बात करें वो भी ब्लैंक वर्ड्स में है। अर्ल ऑफ सरी ने इसको ट्रांसलेशन में यूज ब्लैंक वर्ड्स, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटो, अनराइम्ड दैट इज वाई इट इज ब्लैंक वर्ड्स। और वर्जिल के इनियट को ट्रांसलेट करते हुए बुक 2 एंड बुक 4 में सबसे पहले अर्ल ऑफ सरी, हेनरी हावर्ड जिनका नाम है, ये अर्ल ऑफ सरी तो उनका डेजिग्नेशन था, तो ये इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो देखिए सब ने सही आंसर दिया है, तो आई नीड नॉट इलेबोरेट एनी मोर ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है माय डियर, वेरी गुड, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अब जो टाइम का जो स्केड्यूल था वो थोड़ा सा बीच में हेल्थ इश्यू को लेकर के गैप था मेरा, एंड आई रिमेन ऑफुली बिजी, दैट्स वाई। अब जब भी क्लासेस मीट होंगी आपकी यूट्यूब पे रात वाली लाइव वाली तो 10 बजे ही होगा, वो चाहे कोहरा पड़े चाहे पाला पड़े, अगर है तो 10 बजे ही होगा, नहीं तो अगर कोई होगा तो प्री इन्फॉर्मेशन आपको जाएगी। ठीक है, 10 बजे सही है, खा पी के आदमी दुरुस्त रहे। आप लोग रजाई में बैठ के भी वीडियो देख सकते हैं, देखते देखते सो सकते हैं ऐसी, और मतलब आप सीखना ही तो है ना, तो सीख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ बैलड इज अ सॉन्ग अबाउट अ किंग, अ नैरेटिव पोएम, अ लॉन्ग सॉन्ग, एन इटालियन पोएम। बैलड इज अ स्टोरी इन वर्स, राइट, अ स्टोरी इन वर्स। तो बैलड इज वेरी सिमिलर टू आल्हा इन हिंदी, राइट। आल्हा उदल की कहानी आप जानते हैं, आल्हा और उदल, दे वर द टू ग्रेट वॉरियर्स फ्रॉम बुंदेलखंड, फ्रॉम महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अर्लियर इट वॉज द पार्ट ऑफ स्टिल सम पार्ट, वो बुंदेलखंड जोन लग जाता है उधर। तो ये जो है आप कह सकते हैं एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ये वर्स फॉर्म में होता है, स्पेशली रिटन इन क्वाट्रेन। तो आप ये कह सकते हैं देयर इज जनरली यूज ऑफ एन रिफ्रेन, जैसे ओ नाइट व्हाट कैन एल दी, न, तो वो लाइन जो है, ओ नाइट एट आर्म्स व्हाट कैन एल दी, हु सेड गुड प्रोज इज लाइक अ विंडो पेन। तो मुझे लगता है विंडो पेन की स्पेलिंग गलत है कि सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी प्रोज जो होती है विंडो पेन की तरह होती है। चूंकि ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे हैं, इनफैक्ट 99 नहीं 100% लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड प्रोज इज लाइक अ विंडो पेन, ऑल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, ड्राइडन, चार्ल्स लैम्ब। तो ये सवाल जो है आपको बताना है, यू हैव टू टेल द आंसर, तो प्लीज बी क्विक टू आंसर। अरे बहुत हो गया, तो ये जो है तो आप कह पा रहे हैं ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, यहाँ पर कई लोगों के आंसर गलत भी हैं। संतोष बता रहे हैं ऑल्डस हक्सले, द प्लेजर ऑफ डूइंग नथिंग। जॉर्ज ऑरवेल का नाम आप सुनिए, ज़्यादा अच्छा है। जॉर्ज ऑरवेल का कम से कम आपने वो पॉलिटिकल एलिग्री वाला नॉवेल तो पढ़ा होगा, एनिमल फॉर्म। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, 2 या 3 सवाल फिक्स रहेंगे कम से कम एलटी ग्रेड में, पक्का बता रहा हूँ गारंटी के साथ। इसका सबटाइटल क्या है ये भी जान सकते हैं। वैसे आप कई चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट कम से कम एनिमल फॉर्म आपने पढ़ी है तो आपको एक माफ़ किया जा सकता है कि आप जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जानते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में अगर जानना हो तो वर्तमान के रवीश कुमार जी को पढ़ लीजिए, तो यू विल गेट सम सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। वो भी मतलब इश्क में शहर होना नाम की किताब लिखी है, वो उनकी अपनी लव स्टोरी ही है। हालांकि इन्होंने अपनी लव स्टोरी नहीं लिखी है जॉर्ज ऑरवेल साहब ने। जॉर्ज ऑरवेल साहब ने स्टालिन के नीतियों का बड़ा धुर विरोध किया और वो एक अच्छे पत्रकार थे जॉर्ज ऑरवेल। मुझे लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल की आत्मा जो है वर्तमान में कहीं ना कहीं वो रवीश कुमार के अंदर प्रवेश कर गई है, इसलिए रवीश कुमार भी उस प्रकार की मुखर पत्रकारिता कर पाते हैं, राइट। और कम से कम वो ऐसे मुद्दों को उठाते भी हैं, कम से कम आपसे जुड़े हुए मुद्दे तो उठाते ही हैं, तो यू मस्ट बी थैंकफुल। तो ठीक है, और ये जो है जॉर्ज ऑरवेल एक अच्छे पत्रकार थे, तब वो नॉवलिस्ट हुए। वो स्टालिन की नीतियों का खिलाफ करते रहे हमेशा, और बाद में आपको पता है आप एनिमल फॉर्म पढ़ेंगे तो एक प्रकार का ये रोमान अक्ले की श्रेणी में आता है, रोमान अक्ले की श्रेणी में आता है। तो रोमान अक्ले क्या होता है? रोमान अक्ले जो होता है माय डियर, वो क्या होता है? नॉवेल विद अ की। ये एग्जाम में भी आ सकता है, नॉवेल विद, इसका मतलब नॉवेल विद अ की। तो नॉवेल विद अ की या रोमान अक्ले होता क्या है? इसमें ऐसे जो इस प्रकार के नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल पर्सन से यू कैन आइडेंटिफाई, आप उनको रियल पर्सन से आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे उसका कोई हीरो है, उसका नाम बदल जाएगा लेकिन उसे लगेगा ये यही है। जैसे अभी एक अरुंधति राय की किताब आई थी 17 साल पहले, 17 साल बाद आई, मतलब उस नॉवेल को लिखने के बाद 20 साल बाद आई, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसमें वो लल्ला ऑफ गुजरात का वर्णन जो आया है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए आया है, या मिस्टर ग्रेवाल जो शब्द आया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आया है, तो वो भी आप उसको भी रोमाना क्ले की श्रेणी में रख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार के जो नॉवेल्स होते हैं उनको रोमाना क्ले की श्रेणी में कहा जाता है। और ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है और उसे माफ कर देना खुदा का काम है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, असोनेंस का है, स्पूनरिज्म का है, एंटीथीसिस का है, मेटाफर का है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है फिगर ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में। सो आई नीड नॉट इलेबोरेट एनी ऑफ दिस, बट यू हैव टू आंसर करेक्ट वन, राइट। एंड आई एम डैम श्योर यू विल आंसर इन अ जिफी, राइट, क्योंकि इजिएस्ट वन है ये। दिस इज द इजिएस्ट वन माय डियर, राइट। देखो यहां पर आंसर दे दिया लोगों ने कि इट इज एंटीथीसिस, नो डाउट, प्लेसिंग अंगेंस्ट, साइड बाय साइड, एंटीथीसिस, एंटी मींस अंगेंस्ट, थीसिस मतलब प्लेसिंग। तो ये भी ओके है। आगे देखते हैं, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वॉज सो टायर्ड, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टेटमेंट, डिस्फीमिज्म, hyperbole, metonymy. It's hyperbole, not hyperbole or hyperbole. This is not like that. It's hyperbole, right? Correct pronunciation is hyperbole. And understatement is also known as meiosis, right? तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर भी आप लोगों ने कहा कि हाइपरबोली है, उतना थका था कि 100 साल तक सो सकता है। 100 साल तक आदमी जीता नहीं तो सो क्या पाएगा, राइट ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा देना। हाँ, जैसे वो लेडी मैकबेथ कहती है, ऑल द परफ्यूम सफर एविया, सी कीप्स रविंग हर हैंड ऑल द टाइम्स, सी सीज ब्लड स्टेन्स इन हर हैंड्स ऑल द टाइम्स एंड सेज ऑल द परफ्यूम सफर एविया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड बिकॉज दीज हैंड्स आर ब्लड स्टेन्ड। तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे कहते हैं ना गाँव, ऐसे घर बनाए हैं, ऐसे घर कहना, हमारे चाचा ऐसे घर बनाए कि आकाश चूम रहा है। तो घर कितना भी अच्छा बना तो बुर्ज खलीफा भी आकाश को नहीं चूम रहा है। ये अलग बात है कि वो हाईएस्ट है, उसमें कोई शक नहीं, कैसे छुपाएगा। हाँ, तो वो जो है हाइपरबोली की श्रेणी में आता है, ठीक है। Who is known as the father of English essays? Father of English essays किसे कहते हैं? ध्यान रहे, father of essays Montaigne को, मिशेल डी मॉन्टेन को आप कहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। ये father of essays की बात है तब आप ये कहेंगे father of essays, right? यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है father of English essays and obviously your answer is Bacon. इनकी स्टाइल को आप एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं, और एफोरिस्टिक स्टाइल जो होती है उसका मतलब होता है टू से मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड्स, राइट, स्टाइल, ठीक है। एपिग्रामेटिक स्टाइल या इनके एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन या प्रैक्टिकल विजडम भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड हियर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, aestheticism, the term was coined by Alexander Baumgarten, was characterized by the slogan art for art's sake, art for nature's sake, man imitates art, all of these. Which one can be the correct one or all of the three? आपको बताना है तीनों हैं या कौन सा इसमें सही है। You have to tell the correct answer. Please, my dear, be doubly sure before you answer. Right? Art for art's sake. Art for art's sake is the correct one, no doubt. Aestheticism मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट है that should be treated as a work of art. You मतलब उसमें जानबूझ के you need not to meddle with that. You find out instruction and all. अगर कोई चीज वर्क ऑफ आर्ट मोनालिसा पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची ने अगर उसे पेंट किया तो उसको एंजॉय करिए पेंटिंग, उसमें ज्ञान क्यों बघार रहे हो कि ये ऐसा होता तो इस युग का होता। तो उसमें ये बताया कि उसमें इंस्ट्रक्शन की यू नीड नॉट सीक इंस्ट्रक्शन, एक कला की कलाकृति को कला के रूप में देखिए, उसमें इंस्ट्रक्शन या मोरालिटी की बात मत करिए, ठीक है। तो ये उसमें था आर्ट फॉर आर्ट सेक में। और हु सेड पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ ऑल राइटिंग, आई डोंट थिंक कि ये आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो आई डोंट थिंक कि यू विल गेट कंफ्यूज और ये आसानी से आप बता पाएंगे। हु सेड पोइट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी रीता जी ये क्लास रोज चलती है, जिस दिन नहीं चलते उस दिन उस पे लिखा रहता है कि आज नहीं चलेगी। अमूमन इस महीने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, एक आध दो महीना और ऐसे डिस्टर्बेंस रहेगा, बट आपकी क्लासेस 10 बजे रोज चलती हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपको 10 बजे एक बार चेक कर लेना होता है। 27B, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ लोग आंसर दे रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है मेजॉरिटी ओनली मींस समटाइम्स ऑल द फूल्स आर ऑन द सेम साइड। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट एक्चुअली आल्डस हक्सले हैज सेड, मेजॉरिटी ओनली मींस ऑल द फूल्स आर ऑन द सेम साइड। बहुमत का केवल यही मतलब होता है कि सारे बेवकूफ एक तरफ हैं, क्योंकि विद्वानों की संख्या तो मेरा हमेशा कम होती है, ऐसा उनका मानना था। आई एम नो वन टू से, ठीक है। तो यहाँ पर लोंजाइनस और जॉन केट्स, इसको हिंदी वाले लुंगिनस पढ़ते हैं क्योंकि उदात्त सिद्धांत हिंदी में भी है, तो वो लुंगिनस नहीं वो लोंजाइनस है। आप लोग भी लोंजाइनस ही पढ़ा करिए भाई, अंग्रेजी में नाम किसी का भी हो। हु लिंक्स लिटरेरी जॉन टू सीजन्स, ग्रेट क्वेश्चंस। वैसे 4 सीजन्स को बताया गया है, मैंने बताया था, आज फिर बताना है आपको। और ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें तो कई लोगों ने आंसर, कई लोगों का आंसर दे नॉर्थरॉप फ्राई। आप आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म पढ़े हैं तो आप बेहतर जानते होंगे इसको, मैंने डिटेल रिचर्ड शेज, मॉट बॉटकिन और फ्रांसिस, कुछ और नाम होना चाहिए था, फ्रांसिस बेकन कर दो, और कोई नाम तो मुझे अभी एट रैंडम याद नहीं आया। तो ये ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में देखिए गायनो क्रिटिसिज्म इज अ टर्म गिवन बाय गायत्री स्पिवाक, सिमोन डी बुआ, वर्जीनिया वुल्फ, एलन शोवाल्टर, राइट। ठीक है, 29 का आंसर देना है आपको, यू हैव टू आंसर 29, राइट माय डियर। तो यहां पर आप देखो क्या कर पा रहे हो आप। एलन शोवाल्टर नाम मिल रहा है सबका। एलन शोवाल्टर अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर हैं, और अ रूम ऑफ वन सोन, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में आप जानते हैं। सिमोन दी बुआ को आप इसलिए जानते हैं, नोवेल है, द सेकंड सेक्स के लिए आप इनको जानते हैं। सेकंड सेक्स किताब है जिसमें सबसे बढ़िया लाइन आती है, जिक्र आती है, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। कोई महिला पैदा नहीं होती, महिला बन जाती है ना। देखो जेंडर एंड सेक्स बोथ आर डिफरेंट थिंग ना, तो जेंडर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, सेक्स इज बायोलॉजिकल थिंग, राइट। ये सारी चीजें जब आप फेमिनिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल गेट नो डाउट। नेट का जो चलता है तो उसमें आप पाएंगे। और गायत्री स्पिवाक अभी आपने पढ़ा ही, कैन दे सबाल्टर्न स्पीक, या स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया था, हाँ वो आपको लास्ट ईयर आया ही था, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी आया था। एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने वो सवाल पोल भी किया था। और मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड लास्ट, पर्सोनिफिकेशन इन विच डॉग्स लॉफ क्लाउड्स लुक्स एंड लीव्स डांस इज कॉल्ड। ऐसा पर्सोनिफिकेशन जिसमें कुत्ते हंसते हैं, बादल जो होते हैं दुखी दिखाई पड़ते हैं और पत्तियाँ नाचती हैं, उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है या पेरीफ्रेसिस कहा जाता है या प्लूनाज़म कहा जाता है, टाटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको बताना है और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और आपको करेक्ट आंसर भी देना है। ठीक है माय डियर, आपको करेक्ट आंसर देना है, आपको करना है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, तब आप भी बने रहिए। थैंक यू मिलॉर्ड। तो यहाँ पर इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। पैथेटिक फैलेसी को शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन, ठीक है, सॉरी देखो मैंने रस्किन लिख दिया, हाँ जॉन रस्किन। और ये आप जानते हैं, हालांकि इन्होंने नेगेटिव पिजोरेटिव सेंस में इस्तेमाल किया था, नॉट इन अप्रिशिएटिंग सेंस, बट ठीक है। सो दिस वर 30 क्वेश्चन माय डियर। अगेन यू आर गोइंग टू हैव सम 30 क्वेश्चन ऑन संडे, इफ नॉट संडे देन ऑन मंडे, बट यू विल गेट एवरी डे एट 10 o'clock। आपका शेड्यूल थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, 9 से हुआ था फिर 10 हुआ, ये 2-4 दिन लिटिल बिट आई माई सेल्फ was a little bit confused what can be the proper time, but I think 10 o'clock is okay. That is as per my convenience. Thank you, good night and love you all.